वर्किंग ऑफ आइस प्लांट हम आइस प्लांट के बारे के में हमारा जो आइस प्लांट रहता है वो बी सी आर साइकिल पर भी वर्क करता है बट इन इन आइस प्लांट देर आर बेसिकली टू सर्किट ठीक है यहाँ पर दो अलग अलग सर्किट रहते सर्किट रहते

दो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं उसको सो है, so, कौन कौन सा एक रहेगा अमोनिया सोल्यूशन सी यहाँ पर देख सकते आप अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट रहेगा और सेकंड वाला रहेगा हमारा ब्राइन सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं आप ठीक है so, सो इस तरह से दो रेफ्रिजरेंट हम यहाँ पर यूज करने वाले फॉर द चीलिंग पर्पज ठीक है चिलिंग पर्पज के लिए दो रेफ्रिजरेंट यूज करने वाले ठीक है so, सो वाइल वर्किंग इन इन अ प्राइमरी सर्किट प्राइमरी सर्किट के अंदर हमारा अमोनिया रेफ्रिजरेंट ट्रैवल होता है एंड इन द सेकेंडरी सर्किट ब्राइन ट्रैवल्स ठीक है मतलब दो हमारे पास में सर्किट से और दो रेफ्रिजरेंट है तो फर्स्ट वाला रेफ्रिजरेंट ट्रैवल होगा हमारे अमोनिया अमोनिया रेफ्रिजरेंट हमारा ट्रैवल होगा फर्स्ट फर्स्ट सर्किट से और जो ब्राइन सोल्यूशन रहेगा ब्राइन सोलूशन इज वन ऑफ द रेफ्रिजरेंट विच ट्रेवल्स फ्रॉम द सेकेंडरी सर्किट ये सेकेंडरी सर्किट से ट्रैवल होता है हमारा ठीक है नाउ सी how the what are the basic components as it works on a PCR cycle so the basic component of these ice plant is basic component the first component is the compressor second component is a condenser third component is the throttle wall which is nothing but the capillary tube see this is a throttle wall and fourth component is nothing but the evaporator according to the vcr cycle साइकिल के अकॉर्डिंगली ये बेसिक फोर हमारे कंपोनेंट्स ठीक है नाउ द इन एडिशन विद दिस देयर विल बी द सेकंड कंपोनेंट दैट इज द रिसीवर रिसीवर रहेगा एक एक एक्स्ट्रा में कंपोनेंट रहेगा वहां पर वेयर द रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर विल बी स्टोर्ड इन द रिसीवर एंड देन विल बी ट्रैवल टू द थ्रोटल वॉल यानी कैपेलिटी ट्यूब से वो ट्रैवल होगा हमारा ठीक है so, सो इस तरह से फर्स्ट सर्किट के अंदर हमारे दीज आर द फाइव कंपोनेंट्स कंप्रेसर कंडेंसर रिसीवर दिस इज थ्रोटल वॉल एंड द इटर दिस इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए प्राइमरी सर्किट ये प्राइमरी सर्किट के हमारे मेन कंपोनेंट्स कंपोनेट्स नाउ द सेकेंड सेकेंडरी सर्किट के अंदर के हमारे मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से सेकेंडरी so, सर्किट का हमारा मेन कंपोनेंट रहेगा इवापरेटर देन इंसुलेटेड ब्राइन टैंक देन ब्राइन पंप रहेगा एंड देन आइस केन रहेगी इसके अंदर एंड द ब्राइन सोल्यूशन यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको ये क्या है दिस इज द ब्राइज सोल्यूशन एज ए रेफ्रिजरेंट ठीक है एज ए रेफ्रिजरेंट सोल्यूशन दिया हुआ है इन द सेकेंडरी सर्किट ठीक है सो इस तरह से दो सर्किट है हमारे पास में वीसीआर के अंदर आइस प्लांट इस के अंदर एक रहेगा वीसीआर साइकिल का सर्किट और सेकंड वाला सर्किट रहेगा यूजिंग द ब्राइन सोल्यूशन है सो इन द फर्स्ट सर्किट विल यूज द रेफ्रिजेंट एज एमोनिया एंड इन द सेकंड सर्किट विल यूज्रिजरेंट एज ए ब्राइज सोल्यूशन है नाउ विल सी द वर्किंग हाउ व वर्किंग टेक्स प्लेस वर्किंग कैसे होता है इसके अंदर ठीक है करने के लिए हम आइस प्लांट यूज करते हैं so, हम कौन कौन से कम्पोनेंट यूज करने वाले है? ये कम्पोन तो सबको पता है कॉम्प्रेसर पता है सबको कंडेंसर रिसीवर थ्रोटल वॉल्व पता है सबको इवाब्रेटर पता है ठीक है द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज द आइस केन्स रहती है इसके अंदर ठीक है जहां पर हमारा वाटर स्टोर रहता है और उसी केन के अंदर हमारा आइस फॉर्म हो जाता है यहाँ पर ठीक है विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ब्राइन सोल्यूशन सोल्यूशन की वजह से तो सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ किस तरह की रहती है और उसके अंदर आइस किस तरह से फॉर्म होता है हमारा ठीक है पहले तो वो देख लो आप उसके बाद में फिर हम देखेंगे उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन सो डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर मतलब वर्किंग देखेंगे हम कि वर्किंग कैसा रहेगा सो सो उससे पहले मैं आपको एक मरतबा ये दिखा देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से सी

जो हमारा ये केज है या फिर जिसको हम एक साचा बोलते हैं ठीक है थीके? ये जो मोल्ड रहेगा दिस कंप्लीट मोल्ड विल बी डिप्ड इन टू द ब्राइन सोल्यूशन ये कहाँ पर डिप रहेगा ब्राइन सोल्यूशन के अंदर ब्राइन कंटेनर के अंदर स्टोर रहता है ये इसके अंदर डिप किया हुआ रहता है जिसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर का जो वाटर रहता है वो वाटर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वो वाटर का टेम्परेचर हमारा एक्सचेंज हो जाता है विद द ब्राइन सोल्यून ठीक है सो ब्राइन सोल्यूशन बहुत चिल्ड रहता है तो ब्राइन सोल्यूशन चिल्ड होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर रहेगा रिप्लेस होगा हमारे वाटर के साथ में इन बिटवीन दिस गैल्वेनाइज टैंक जो जो गैल्वेनाइज टैंक और कैन है उनके उनके दरमियान में क्या होगा यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगी सो ब्राइन सोल्यूशन का जो चिलिंग इफेक्ट है जो कूलिंग इफेक्ट है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वो हमारा ट्रैवल होगा हमारे आइस हमारे वाटर के साथ में विच इज स्टोर्ड इन दिस मोल्ड इस मोल्ड के अंदर जो वाटर अवेलेबल उसके साथ में क्या होगा वो एक्सचेंज होगा जिसकी वजह से क्या होता है आइस फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर ठीक है आइस फॉर्म होगा सो ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाएगा फिर वोल्यूशन के तरफ जाता चिल्ड होता है, 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 है नौ सी आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं आपने इमेज भी देखी होगी यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखो इस तरह से इस तरह से एक मोल्ड दिया हुआ है ये अलग टाइप का मोल्ड है जिसके अंदर छह अलग अलग केन दिए हुए पर हम आइस फॉर्म करते हैं कुल्फी फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ठीक है इसी तरह से देखो ये इसी इस इमेज के अंदर भी आपको क्लियर दिखाई देगा अगर आपको इसको इन्वर्ट करके देखना तो आप इस तरह से इन्वर्ट करके देख सकते हैं कि जो हमारी केन रहती है ठीक है जहां पर आइस फॉर्म होता है तो वो केन किस तरह से दिखाई देती है तो इस तरह की केन रहती है आपने ऑलरेडी देखी होगी इस तरह की केन देन आइस प्लांट के अंदर का जो एक्चुअली जो बड़ी बड़ी केज रहती है वहां पे लगाई हुई आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी केज कितना बड़ा यहाँ है, पर मोल्ड रहता है जहां पर हमारा आइस फॉर्म होता है देखो अलग अलग टाइप के मोल्ड यहाँ पर पूरी एक चेन बताई हुई है ठीक है सो यहाँ पर कम्प्लीट मोल्ड सेटअप दिया हुआ है जिसके अंदर आइस हमारा फॉर्म होता है और आइस फॉर्म होने के बाद में उसको हम क्या करते हैं मोड़ से रिमूव कर करते तो मोड़ से जब उसको रिमूव करेंगे हम तो इस तरह से आपको आइस दिखाई देगा वहाँ पर फॉर्मेट किया फौर्म, फौर्म हुआ फॉर्म ठीक है सो तो इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से आइस के स्लैब्स फॉर्मेशन होते हैं और बैकग्राउंड में जो दिख रहा है आपको ये जो दिख रहा है बैकग्राउंड में ठीक है ये क्या है बैक साइड का यहाँ पर ये सारी केन्स है ये आइस केन्स दिए हुए जिसके अंदर से ये आइस आइस की पूरी क्या हुआ है यहाँ पर जो स्लैब है वो फॉर्मेशन हुआ है ठीक है तो ये हमारा मेन पर्पज ऑफ है आइस प्लांट आइस प्लांट का ये मेन पर्पज रहेगा हमारा इसी के साथ में हम देखेंगे कि कि अभी अभी वर्किंग वर्किंग कैसे होता है है तो ठीक पर आपको समझा भी? यहाँ आपको समझाता मैं तक आई थिंक क्लियर होगा होगा हुआ होगा कि आज हम आइस प्लांट के बारे में जो लर्न करें तो एक्चुअली क्या कंसेप्ट रहेगा तो ठीक है नाउसी वर्किंग क्या होगा इसके अंदर सबसे पहले इन कॉम्प्रेसर फर्स्ट जो हमारा कॉम्प्रेसर रहेगा इन कॉम्प्रेसर द रेफ्रिजरेंट दैट इज द अमोनिया विल बी स्टोर्ड नाउ So uh, क्या होगा यहाँ से हमारा जो रेफ्रिजरेट है वो हमारा कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेट कंड होगा और कंडे होने के बाद में वो कर, वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में दिस रेफ्रिजरेंट विल बी स्टोर्ड इनटू द रिसीवर ये रिसीवर में स्टोर्ड होगा रिसीवर में स्टोर होने के बाद में पर फिल्टर होगा पहले रिसीवर के अंदर रिसीवर के अंदर फिल्टर होने के बाद में इट विल बी टू द थ्रोटल एंड थ्रोटल वॉल इज नथिंग बट द कैपिलरी ट्यूब सो इन द कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ द लॉन्ग लेंथ एंड द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रिक्शन विल बी टेस्ट प्लेस बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी रिड्यूस टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर रिड्यूस हो जाएगा ट refrigerant, refrigerant के, evaporator, evaporator के, के, के साथ में ठीक है यहाँ से कनेक्टेड रहेगा नाउ द टेम्परेचर ऑफ द इवेबरेटर इज वेरी लो अभी टेम्परेचर हमारे evaporator का कैसा है बहुत कम है ठीक है सो क्या होता है हमारा जो ब्राइन सोल्यूशन रहेगा अभी ये सेकेंडरी सर्किट के साथ में कनेक्टेड रहेगा नाउ सेकेंडरी सर्किट के अंदर देखो कौन कौन से कंपोनेंट है ये सेकेंडरी सर्किट है हमारा सेकेंडरी सर्किट की ये लाइन दी है पर जहां से हमारा ब्राइन सोल्यून क्या होगा नाउ सी इपरेटर के अंदर जो ब्राइन सोल्यशन आएगा वो सबसे पहले चिल्ड होगा चिल्ड होने के बाद में दिस ब्राइन सोल्यूशन हेल्प ऑफ ब्राइन पंप सी यहाँ पर एक ब्राइन पंप लगा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्राइन पंप ये कहाँ पर जाएगा ब्राइन सोल्यूशन टैंक के अंदर जाएगा ठीक है इंसुलेटेड ब्राइन टैंक जो दिए हुए वहां पर जाएगा

वॉटर अवेलेबल इंटू द आइस आइस कैन के अंदर क्या होगा वो आइस कैन के अंदर हमारा टेम्परेचर एक्सचेंज होगा जिसकी वजह से हमारे हमारे जो आइस अवेलेबल हमारे पास में जो वॉटर अवेलेबल है इन टू द आइस आइस के अंदर जो वॉटर अवेलेबल रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे आइस वो कह में हो? कन्वर्ट में? में होगा आइस क्यूब के अंदर कन्वर्ट होगा जिसकी वजह से जो ब्राइन सोल्यूशन है हमारा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्राइन सोल्य डिक्रीजेज जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सॉरी इंक्रीजेज जैसे हमारे ब्राइन सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा दिस ब्राइन सोल्यूशन टू दी इवेपोरेटर कॉइल की तरफ ठीक है इस तरह से इवेपोरेटर कॉइल की तरफ आएगा नाउ इवेपोरेटर के पास में ऑलरेडी टेम्परेचर है कम है सो यहाँ पर वापस से टेम्परेचर रिप्लेस होगा हमारा तो इवेपोरेटर से हमारा टेम्परेचर किसके साथ में रिप्लेस होगा ब्राइन सोल्यूशन के साथ में रिप्लेस होगा जैसे ब्राइन सोल्यूशन के साथ में टेम्परेचर रिप्लेस होता है रिप्लेस होने के बाद में वापस से ब्राइन सोल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज होगा मतलब कम टेम्परेचर होगा चिल्ड हो जाएगा ब्राइन सोल्यूशन अगेन जो हमारा इंसुलेटेड ब्राइन टैंक है वहां पर हमारा ब्राइन सोल्यूशन आएगा और यहाँ पर वापस हीट एक्सचेंज होगा हमारे वॉटर के साथ में विच इज अवेलेबल इन टू द आईस्कैन आईस्कैन के अंदर जो